हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ, आई एम श्योर कि वो ये किसी भी हाउसवाइफ, कोई भी वर्किंग वेमेन या फिर कोई भी बैचलर इंसान जो अकेला रह रहा है उसको बहुत पसंद आने वाला है। ये उनका टाइम बचाने के साथ साथ उनकी मेहनत को भी बचाएगा। तो चलिए मैं फटाफट से इसके अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा देती हूँ। और दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट। इससे पहले भी मैंने पिजन ब्रांड के सेम ऐसे ही प्रोडक्ट को यूज़ करा है। वो मैंने अमेजोन से ऑर्डर करा था इन 300 रुपीज़, और ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करा है 149 रुपीज़ में। तो चलिए मैं इसकी फटाफट से आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा देती हूँ और बताती हूँ ये है क्या। तो ये मुझे कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में रिसीव हुआ है। ये एक हैंडी चॉपर है जिसकी हेल्प से आप कुछ भी चीज़ को चॉप कर सकते हैं। ये मैंने दो ऑर्डर करे हैं, एक मैं अपने भाई को देने वाली हूँ, वो भी क्या याद रखेगा, उसकी बहन ने उसे कितना वर्थी, कितना टाइम सेविंग गिफ्ट दिया था। अब आप ये सोच रहे होंगे मैं इसकी इतनी तारीफ़ कर क्यों रही हूँ, क्योंकि मैंने इसे पहले भी यूज़ करा है और दैट इज़ रियली ऑसम। उसी की वजह से मैंने ये दो और ऑर्डर करे हैं। ये कुछ इस तरीके का आता है। इसके हैंडल को आपको पकड़ के आगे पीछे मूव करना होता है, उसकी हेल्प से ये इसकी रिंग रोटेट होती है और आपकी चॉपिंग बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। क्योंकि इंडियन खाने में, मैं जानती हूँ इंडियन खाने में अगर मसाला बोलते हैं ना, तो उसका मतलब प्याज टमाटर का मसाला ही होता है। तो आई एम श्योर ये सबका ही टाइम सेव करने वाला है। इसके मटेरियल की बात करूँ तो इसका प्लास्टिक अच्छा वाला प्लास्टिक है, ऐसे क्रैक होने वाला प्लास्टिक नहीं है जिसमें जल्दी से क्रैक आ जाए, अच्छा प्लास्टिक है। और इसके नीचे जो है ये ग्रिप करने के लिए एक उन्होंने रबर टाइप का कुछ लगा रखा है, जिससे इसकी ग्रिपिंग पावर अच्छी हो जाए, ग्रिप अच्छे से कर सके फ्लैट सरफेस में। इसकी जो कैपेसिटी है दैट इज़ 450 ml, और इसमें 3 साइजेज़ आई गेस और अवेलेबल हैं। आप एक बार चेक कर लेना, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर लेना। और इसमें 3 ब्लेड लगी हुई हैं, तीनों ही बहुत शार्प हैं, तो जब भी आप इस पर वॉश करें तो बहुत ही केयरफुली से वॉश करें। तो चलिए मैं फटाफट इसका एक डेमो करके आपको दिखा देती हूँ। मैंने प्याज को कुछ इस साइज़ में काट लिया है, और हाँ, जब भी आप इसे यूज़ करें प्याज को इतने साइज़ में या इससे थोड़ा सा छोटे और साइज़ में काट के ही यूज़ करना। अदरवाइज़ अगर आप इसमें पूरा प्याज डाल देंगे तो इसकी जो रिंग्स है वो मूव नहीं करेंगे और आपकी चॉपिंग नहीं हो पाएगी, और आपके पुश करने से आपका थ्रेड टूट सकता है। तो आप इतने साइज़ में या इससे छोटे साइज़ में ही काट के इसे यूज़ करना। और मैंने इसमें डाल दिया मिर्च। तो चलिए अब इसे ओपन करते हैं, देखते हैं अंदर हुआ क्या है। देखिए कितनी फाइन चॉपिंग हुई है। जो भी लोग घर पे मोमोज या फिर कोई भी इंडियन खाना, चिकन, मटन, चने, छोले, सब में ही प्याज टमाटर पड़ता है, और प्याज काटते हुए जो नानी याद आती है ना, वो हम सबको पता है। इतनी फाइन चॉपिंग हार्डली इन 1 or 2 मिनट हाथों से तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और स्पेशली हम इंडियंस के लिए जहाँ हर एक खाने में प्याज टमाटर के बिना कोई भी खाना नहीं बनता है, चाहे वो वेज हो चाहे नॉन वेज हो, हमें प्याज टमाटर चाहिए तो मतलब चाहिए। तो उसके लिए तो मैं इसे ज़रूर रिकमेंड करूँगी। तो चलिए मैं फटाफट से इन टमाटर को भी आपको चॉप करके दिखा देती हूँ। और आप सबको तो पता है कि बहुत सारी ऐसी डिश होती हैं जिनमें हमें मिक्सचर में पिसा हुआ नहीं चाहिए होता है प्याज टमाटर, हमें फाइनली चॉप्ड ही चाहिए होता है। तो उसके लिए तो मैं इसे 100% रिकमेंड करूँगी। तो ये हो गए हैं टमाटर चॉप, और देखिए कितने अच्छे तरीके से बारीक कटा हुआ टमाटर मुझे मिला है। एकदम से इसने प्योरी नहीं बनाया, और नॉर्मल एक छोटा छोटा सा टमाटर, कटा हुआ टमाटर मुझे मिला है। अब आप इस फाइनली अनियन एंड टोमेटोज को किसी भी वेज या नॉन वेज डिश में यूज़ कर सकते हैं। मेरे लिए तो ये मिनी चॉपर बिग थम्स अप है। अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो, मेरा रिव्यू, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।